नार्थ क्षेत्र में मारपीट करने वाले अभियुक्तों के ऊपर पुलिस कर रही है कार्रवाई। कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो पुलिस करेगी कार्रवाई। एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। 49 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा हुआ सकुशल संपन्न। हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई है ड्यूटी। कर रहे हैं पूरे परीक्षा की निगरानी। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए प्राणी उद्यान ने बनाया माइक्रो प्लेनेट। उनके पानी में डाला जाता है मेडिसिन। शरीर का टेम्परेचर रहता है नॉर्मल। प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने दी जानकारी। जिला महिला चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं का किया जा रहा है समुचित इलाज। महिलाओं के बैठने के लिए बनाया गया प्रतीक्षालय हॉल। प्रतिदिन 300 महिलाओं का हो रहा है इलाज। प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने दी जानकारी। हर महीने में आयोजित होने वाले तहसील दिवस के लिए जिलाधिकारी ने 6 महीनों का रोस्टर किया जारी। कौन सा अधिकारी किस तहसील में जाकर सुनेगा जनता की समस्या। एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने कहा कि तहसील दिवस में आकर नागरिक अपनी समस्याओं का करवा सकते हैं निस्तारण। प्राग डेयरी के बंद करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द बंद करने के फैसले पर रोक लगे, नहीं तो करेंगे आंदोलन। पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर सदर सांसद रवि किशन ने गिरधरगंज वार्ड में घर घर चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों को अवगत करवाया सरकार की योजनाओं से। कहा विपक्षी पाकिस्तान के पार्टी से भी कर लें गठबंधन तो भी नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। प्रकाशनाथ विकासखंड खजनी के प्रांगण में स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह सुमित द्वार का उद्घाटन और 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। नॉर्थ क्षेत्र में मारपीट करने वाले अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि नॉर्थ क्षेत्र में मारपीट करने वाले अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, लगातार जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहा है उसके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में 107-16 की कार्रवाई की जा रही है। सर, इनके लिए क्या निर्देश है? अब उनके लिए निर्देश क्या, वो कानून का सब पालन करें, यही निर्देश है। जनपद में 49 परीक्षा केंद्रों पर वीडियो का परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में 49 परीक्षा केंद्रों पर वीडियो की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जो कि 26 व 27 जून को 2 दिन के लिए है। उन्होंने बताया कि हर पाली में 24,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है और कहीं से भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। उन्होंने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर जिला प्रशासन की तरफ से एक स्टैटिक्स मैनेजर की ड्यूटी लगाई गई है और 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो भ्रमशिर रहकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जनपद में कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी की पुनर्परीक्षा आयोजित हो रही है, जो कि 26 और 27 तारीख को 2-2 पालियों में मिलाकर कुल 4 पालियों में होना है। प्रति पाली लगभग 24,000 बच्चे यहाँ पे परीक्षा प्रतिभाग करेंगे। प्रथम पाली की परीक्षा 26 तारीख की आज सकुशल संपन्न हो गई है, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और द्वितीय पाली की परीक्षा शाम 3 बजे से प्रारंभ होगी। पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, सारी व्यवस्थाएं हमारी सकुशल संचालित हो रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से एक केंद्र प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल के केंद्र व्यवस्थापक प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है तथा 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई, जो निरंतर भ्रमण से लेकर परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तत्काल उसका समाधान किया जाएगा। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए प्राणी उद्यान लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके संबंध में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि हीट स्ट्रोक न हो सके इसके लिए माइक्रो प्लेनेट
बना रखा है, जिससे कि प्राणी उद्यान का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा वन्य जीवों के जो भी पीने का पानी होता है उसमें मेडिसिन डाल देते हैं, जिससे कि उनके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उनको किसी तरह का हीट स्ट्रोक ना हो। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा, हीट स्ट्रोक ना हो इसके लिए हमने बताया कि हम लोगों ने माइक्रो क्लाइमेट बना रखा है, जिससे कि वहाँ का लोकल का टेम्परेचर जो मेंटेन रहे। साथ में हम लोग वहाँ वन्य जीवों के पीने का जो पानी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटी स्ट्रेस मेडिसिन भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि पीने के पानी और खाने के कुछ वन्य जीवों को खाने में मिला के दिया जाता है, जिससे कि उनका जो शरीर का जो सिस्टम है वो पूरा प्रॉपर मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। इस वजह से यही एक कुछ दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम उनको लू से बचा पाते हैं, अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक से बचा पाते हैं। जिला महिला चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं का समुचित इलाज किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय में जो महिलाएं ओपीडी में आती हैं उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। इसके लिए महिला चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट 8 सहित लेबर रूम में डॉक्टर की अलग से ड्यूटी लगाई जाती है। अस्पताल में आने वाली महिलाओं का समुचित इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर 100 महिला के ऊपर एक डॉक्टर है। यहाँ पर प्रतिदिन 300 महिला आती हैं। उनके बैठने के लिए प्रतीक्षालय हॉल बनाया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्द ही एसी लगवा दिया जाए। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, डॉक्टर अलग अलग विधा के हैं, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट को सोचें तो 8 है, अलग अलग ड्यूटी लगती है, रोस्टर है, रोस्टर के मुताबिक एक डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, जैसे प्रति शिफ्ट एक डॉक्टर। गर्भवती महिलाएं जो जैसे आती हैं दिखाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए सारी व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से कहा गया है। व्यवस्थाओं में हम लोग अभी वृद्धि कर रहे हैं धीरे धीरे। जो वेटिंग टाइम जो है उस दौरान महिलाएं कितनी कंफर्टेबल रहेंगी, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी उनके वेटिंग एरिया में पहले 2 पंखे होते थे, अब 5 कर दिया गया है, और वेटिंग हॉल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एसी हो जाए, ताकि उन लोगों को अब 2 या 3 डॉक्टर बैठती हैं। करीब 350 महिलाएँ आती हैं, तो एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 100 महिलाओं का बोझ हो जाता है। तो अब ये तो संभव नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट में सबको देख दिया जाए, तो कम से कम जो इंतज़ार का समय है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सुखद बनाया जा सके, क्योंकि पेट में बच्चा लेके खड़े रहना ये दिक्कत वाली चीज। जिलाधिकारी ने महीने में आयोजित होने वाले तहसील दिवस के 6 महीनों का रोस्टर जारी किया है, जिससे संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा तहसील दिवस के लिए जुलाई से दिसंबर के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है, जो कि 6 महीनों के लिए है कि कौन से तहसील में कौन सा अधिकारी तहसील दिवस में जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में सभी नागरिक जरूर आएं, क्योंकि तहसील दिवस में सभी अधिकारी रहते हैं, वहां पर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आगामी 6 माह के लिए जुलाई से दिसंबर में जो आगामी तहसील दिवस या जिसको जन सुनवाई दिवस कहेंगे उसका रोस्टर जारी कर दिया गया है कि किस तहसील में किस पर्यवेक्षणी अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। तहसील दिवस बहुत ही कारगर साबित होता है। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो प्रार्थना पत्र अपना वहाँ ले करके जाते हैं, वे अपनी बात को ठीक ठीक वहाँ पर बताएं और अपने सभी प्रपत्र लेकर के जाएं, जिससे वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उस प्रकरण को देख सकें, उसका अध्ययन कर सकें और वहीं पर निराकरण कर सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह के नेतृत्व में प्राग डेयरी के बंद करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने बताया कि गोरखपुर की प्राग डेयरी गोरखपुर देवरिया कुशीनगर महाराजगंज जनपद के दूध उत्पादक किसानों की जीवन रेखा मानी जाती है।
जिलों में स्थित सैकड़ों दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालक अपने दूध उचित मूल्य पर डेयरी को भेज पाते हैं और डेयरी के माध्यम से जन सामान्य को उचित दर पर बाजार की अपेक्षा ज़्यादा दूध और दूध से निर्मित अन्य खाद्य सामग्री मिल पाती है। इस डेयरी से उन छोटे दुकानदारों पर भी अधिकता जुड़ी हुई है, इससे उत्पादित वस्तुओं के विपणन से जुड़े हैं। डेयरी के बंद होने से बड़ी संख्या में पशुपालक किसानों और डेयरी उत्पादित वस्तुओं के विपणन में लगे छोटे दुकानदारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पशुपालक किसानों डेयरी से उत्पादित सामग्री के विपणन में लगे लोगों और जन समस्याओं के हित में डेयरी बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए और इसे नियमित रूप से चलाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा, पराग डेयरी जो गोरखपुर की पहचान है और लगभग 300 हमारी दुग्ध समितियां हैं जिससे हजारों किसान गोरखपुर मंडल के उससे जुड़े हुए हैं, अचानक से सरकार ने उसको बंद कर दिया और जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसे निजी हाथों में सौंपने की एक साजिश है। किसानों का दुग्ध का बकाया है जो सरकार इसकी जांच कराए बिना कि क्यों वो घाटे में है, कौन लोगों के कारण से वो लगातार घाटे में गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दुग्ध उत्पादन जो पराग डेयरी को ही बंद करना एक निश्चित रूप से सरकार की तानाशाही है और इस इलाके के दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनके साथ अन्याय है, उनके आजीविका के साथ खिलवाड़ है और साथ ही साथ इस इलाके में रहने वाले लोग जो सस्ते दर पर जिनको डेयरी प्रोडक्ट मिलता है उनके शादी में, विवाह में, निजी आवश्यकताओं में, उस सबसे वंचित करने का एक प्रयास है। तो कांग्रेस पार्टी आज सभी इससे जुड़े चारों जिले में, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया में आज ज्ञापन दे रही है और ज्ञापन दे करके कांग्रेस पार्टी इसको इस मामले में अपनी विरोध दर्ज करा रही है। हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि घाटा क्यों हुआ उसकी जांच कराई जाए और साथ ही साथ जो पराग डेयरी को बंद करने का जो फैसला है उसे वापस लिया जाए। इस क्षेत्र के किसानों के हक में और जो गोरखपुर की एक पहचान है उसे किसी कीमत पर हम समाप्त नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम संघर्ष करेंगे। विश्व विजय सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। सदर सांसद रवि किशन ने पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर गिरधरगंज वार्ड में घर घर जनसंपर्क अभियान में भाग लिया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल पूरा हुआ है। इन 9 सालों में पूरे देश का विकास हुआ है तथा हर तबके को योजनाओं का लाभ मिला है, जिसको लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, बेटियों की शादी और लोगों को सम्मान मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी यदि पाकिस्तान की पार्टी से भी समझौता कर लें तो भी वो भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। इस अवसर पर पार्षद रणविजय सिंह जुगनू, मंडल अध्यक्ष अष्टभुजा श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह, सेक्टर संयोजक विशाल निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, सभी देवतुल जनता गोरखपुर से ये कहना चाहूँगा कि राम राज्य कभी ऐसा सोचा नहीं था, इतना सुंदर तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को दिया है। जहाँ विकास भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है, विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.4 हो गई है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, सम्मान, बेटियों को शादी ब्याह योजनाएं, अनगिनत गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए ऐसी पार्टी आएगी जो इस भारत को विश्वगुरु के रास्ते पर ले जाएगी, कभी इस भारत ने भी नहीं सोचा था। हम सभी लोग बहुत गर्व कर रहे हैं और जो माहौल दिख रहा है मुझे 2024 का, 300 से ज़्यादा सीटें, 350 भी हो जाएगी या 375 भी हो जाएगी, मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा। 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश से आ रही है, यहाँ से पूज्य महाराज जी 80 सीटें हम सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे और दोबारा मेरा भारत बहुमत की सरकार में भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और ये विकास की गंगा निरंतर बढ़ती रहेगी। भले ही कितने भी विरोधी, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्षियों को, कि सारे
जाके पाकिस्तान से भी कोनो पार्टी से समझौता कर लीजिए। अब सब लोग भी मिलकर मोदी जी को हराने पाएंगे। हर हर महादेव। जय श्री। प्रकाशनाथ विकास खंड खजनी के प्रांगण में स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह सुमित द्वार का उद्घाटन खजनी विधानसभा के विधायक श्री राम चौहान एवं सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर विकास खंड खजनी के 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया तथा खजनी विकास खंड की प्रमुख श्रीमती अंशु सिंह विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा किया तथा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया।